दुनिया का हर इंसान ये जानना चाहता है कि पुतिन ने आखिर जंग का फैसला लेकर रूस को मुश्किल में क्यों डाला। क्या यूक्रेन के साथ विवाद को बातचीत से नहीं सुलझाया जा सकता था? मैं हिंदुस्तान की बेटी आज आपको बताती हूं उस सीक्रेट मैसेज के बारे में जिसे पढ़कर पुतिन की खोपड़ी में हजारों बम फूटने लगे। फ्रांस ने रूस पर प्रहार शुरू करते हुए इंग्लिश चैनल में उनके एक शिप को जब्त कर लिया। फ्रांस की इस हरकत से पुतिन आग बबूला थे और उन्होंने मैंक्रो को फौरन रूसी शिप को छोड़ने के लिए कहा। नाटो देशों ने यूक्रेन को गुरिल्ला वार का मंत्र दिया ताकि युद्ध को लंबा खींचकर पुतिन को मात दी जा सके। मैं हिंदुस्तान की बेटी आज आपको बताती हूं कि रूसी शिप में ऐसा क्या है जिससे पुतिन बौखलाए हुए हैं। राष्ट्रवाद में आज मैं आपको यह भी बता रही हूं कि गुरिल्ला वार से क्या यूक्रेन उसी तरह रूस को हरा पाएगा जिस तरह से वियतनाम ने अमेरिका को हराया था। परमाणु की लत जेलेंस्की को ले डूबी। एटमी प्यार ने यूक्रेन में मचाया कोहराम। रूसी बर्बादी का प्लान बना जी का जंजाल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का परमाणु प्रेम अब पूरे यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है। अगर जेलेंस्की ने परमाणु ताकत बनने का ख्वाब छोड़ दिया होता तो आज कीव और 30 यूक्रेनी शहर आग के शोलों से जल नहीं रहे होते। यूक्रेन की वार जोन से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की पश्चिमी देशों से परमाणु वार हेड लेने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही खबर जर्मनी में मौजूद रूसी जासूस को लगी, उसने फौरन मास्को में पुतिन को खतरे का संदेश भेजा। इसके बाद पुतिन ने पूरे मामले की तह तक जांच कराई और जब उन्हें यकीन हो गया कि नाटो में शामिल होने जा रहा यूक्रेन जल्द ही परमाणु हथियार संपन्न देश बन जाएगा तो रूस ने उसकी घेराबंदी शुरू कर दी। रूस को डर सता रहा था कि ईरान और उत्तर कोरिया के मुकाबले यूक्रेन के पास ज्यादा बेहतर परमाणु एक्सपर्ट हैं, जो लॉन्चर भी बना सकते हैं। सोवियत यूनियन के जमाने से यूक्रेन एटॉमिक वारहेड का सेंटर रहा है। चेर्नोबिल भी यूक्रेन का ही हिस्सा है जहां फिलहाल रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। लिहाजा पुतिन ने फैसला किया कि अब यूक्रेन को मिटाना पड़ेगा वरना रूस को बचाना मुश्किल होगा। हम इसे खारिज नहीं कर सकते। यूक्रेन में वैश्विक जनसंहार के हथियार की मौजूदगी यूरोप और दुनिया के लिए खासकर हमारे लिए खतरा है। हम इस असली खतरे को निपटाने में नाकाम नहीं रह सकते। हालांकि रूस ने सोचा था यूक्रेन के साथ जंग ज्यादा लंबी नहीं चलेगी और वो चंद दिनों में ही कीव में कब्जा करके राष्ट्रपति जेलेंस्की को बंदी बना लेंगे, लेकिन रूसी सेना अपने इस प्लान से अब तक कामयाब नहीं हुई है। जंग जैसे जैसे लंबी खिंच रही है रूस का भी टेंशन बढ़ रहा है क्योंकि फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश अब यूक्रेन को हथियार और गोला बारूद भेजना शुरू कर चुके हैं। उधर फ्रांस ने रूस के एक शिप पर कब्जा करके पुतिन के खिलाफ एक तरह से जंग छेड़ दिया है। पुतिन ने पेरिस में मौजूद अपने राजदूत को भेजकर मैक्रों से कहा कि रूसी शिप को फौरन लौटाएं जिसमें कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामान है। रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए सैन्य संगठन तैयार हो रहा है। यह युद्ध अभी लंबा चलेगा। यूक्रेन की ड्रोन आर्मी पर अटैक, कीव पर कहर, मिसाइल गर्जी शहर शहर। यूक्रेन को अपने TB2 ड्रोन्स बेर कटर पर बहुत भरोसा था कि वो रूसी सेना के टैंकों को तबाह कर देंगे, लेकिन पुतिन की खुफिया सेना ने जेलेंस्की के इस प्लान को भी डिकोड कर लिया और जंग छिड़ते ही सबसे पहले उन ठिकानों पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से प्रहार किए गए जहां से TB2 ड्रोन्स को यूक्रेन की सेना ऑपरेट कर रही थी और पलक झपकते ही उन्हें तहस नहस कर दिया गया। जेलेंस्की का पलटवार, पुतिन पर गुरिल्ला प्रहार।
सीधी लड़ाई में रूसी सेना के सामने यूक्रेन तीसरे दिन ही घुटने टेकता दिख रहा है। उसके करीब दर्जन भर से ज्यादा शहरों में रूसी सेना ने अपना झंडा फहराकर विजय का ऐलान कर दिया है, लेकिन जेलेंस्की हार मानने को तैयार नहीं है। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने गुरिल्ला वार से पुतिन को परास्त करने का फैसला लिया है, लिहाजा यूक्रेन के 18 से 60 साल के लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है और ट्रेनिंग के बाद उन्हें हथियार देकर गुरिल्ला आर्मी में बदल दिया गया है। यूक्रेन ने विदेशों से ऐसे ऑटोमेटिक और खतरनाक हथियार मांगे हैं जिन्हें आम नागरिक भी चला सकें। मिसाइल अटैक और रॉकेट हमलों के बाद जब रूसी सेना शहरों और गांवों में दाखिल होगी तो यूक्रेनी उन पर गुरिल्लाओं की तरह टूट पड़ेंगे। अगर जेलेंस्की का ये प्लान परवान चढ़ा तो फिर पुतिन के लिए यूक्रेन को जीतना आसान नहीं होगा। रूस ने यूक्रेन पर चौतरफा हमला बोल दिया है। आसमान से मिसाइलें बारूद बरसा रही हैं, तो जमीन पर तोपें आग उगल रही हैं। तीन दिन की जंग में यूक्रेन के 821 सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा रूस ने किया है। इसके अलावा 14 मिलिट्री एयरफील्ड, 24 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और 7 एयरक्राफ्ट खलास करने का दावा भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।